बगा में बढ़ती गर्मी में इंसान के साथ जानवर परेशान है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के वन्य क्षेत्र में गर्मी बढ़ने के साथ ही जल स्रोत सूखने लगे हैं। जंगल के बीच स्थित अन्य प्राकृतिक जल स्रोत सूख रहे हैं। हालांकि वन विभाग को जल संकट को दूर करने के लिए स्थायी और अस्थायी तौर पर वाटर हॉल के जरिए जानवरों तक पानी पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से दर्जनों पहाड़ी नदियां बहती हैं। नारायणी, सोना, तमसा, बपसा, कौशिक, मनोर सहित कई नदियां या तो सूख गई है या फिर सूखने के कगार पर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन संरक्षक डॉक्टर निशामणि के ने बताया कि टाइगर रिजर्व के विभाग क्षेत्रों में 24 पक्का और 26 कच्चा वाटर हॉल बनाया गया है, जहाँ वन विभाग समय समय पर पानी भर कर रखा है। यहाँ जानवर आसानी से आकर पानी पी लेते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाघ, तेंदुआ, हिरण, सांबर, चित्तर, नीलगाय, गौर, भालू और बंदर जैसे जंगली जानवरों को भटकना पड़ रहा है। ऐसे में अस्थायी तौर पर कच्चे वाटर हॉल में पानी भरकर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। जो वाटर होल्स हम लोग बने हुए रहते हैं उस पर उसका मतलब अपने अपने एरिया का जो हम लोग चयनित करते हैं कहाँ हम लोग स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे हम लोग वाटर होल बना हुआ है वहाँ पे तो पानी अपना देखते हैं। थोड़ा सा समस्या रहती है कुछ पानी के तलाशी में या मतलब कुछ ये ग्रीन फॉर्डर की तलाश में बाहर आता है, लेकिन हम लोग का वनकर्मी प्लस हम लोग का जो मजदूरी हम लोग तैनात की गई उन लोगों के माध्यम से उसको कंट्रोल किया जाता है।